हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। खबर है आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की, जहां भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को घी के बने लड्डू की जगह जानवरों की चर्बी से बने प्रसाद का भोग लगाया जा रहा था। और कल इस मामले की पुष्टि हो गई है। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। इसका दावा TDP ने किया है। लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग को लेकर उठे विवाद के बीच सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने कल दावा किया कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला की तरफ से मिलावट की पुष्टि की गई है। TDP ने यह दावा किया है कि तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए गौमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस घटना के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी मामले पर बयान जारी किया है। पवन कल्याण ने तो राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन करने की मांग कर दी है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने NDA की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे गए और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट भी पाई गई। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है।